हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गुडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूसन बोल रहे थे ऐसा मत बोलो, एज द ओल्ड मैन ने मुझे बोला कि तुम्हारे साथ नहीं जाना, पर मैं फ्यूचर में तुम में से एक ही हूंगा, शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए। पीयर बोलते कि तुम इतना ज्यादा कर्टिस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही तो है, और तुम्हारी वजह से मेरे को कुछ अच्छी चीज मिली है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सील को अंडू कर दूंगी, उसका ध्यान रखूंगी। लूसन बोलते ठीक है। यूसी बोलते ये अच्छा है कि हमारे साथ आ नहीं रहा है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था अगर वो ज्वाइन भी करता तो। तो गाइस, इस वीडियो का लाइक एम भी 1500 लाइक्स है, कर देना। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 231 की स्टार्टिंग होती है। हैपैंग बोल रहा होता है कि चलो बस करो, गुड बाय लूसेंग। बोस बोलता है अपना ध्यान रखना, लूसेंग बोलता है अपना ध्यान रखना। वो उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। निंग आ जाती है और बोलती है मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए बाकी गेस्ट के लिए भी, वो भी जाने वाले हैं। लूसेंग बोलता है ठीक है शुक्रिया। निंग बोलती है क्या तुम क्या प्लान कर रहे हो नेक्स्ट? लूसेंग बोलता है वेल 4 साल हो गए हैं मैंने ग्रीन क्लाउड रोड को लेफ्ट किया है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे। वेल वो डियानमिंग पीटियाने और इंस्ट्रक्टर सू के बारे में सोच रहा होता है। मैं प्लान कर रहा हूँ ईस्टर डोमेन में जाने के लिए। निंग बोलती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी ईस्टर्न डोमेन में काफी सारे टाइम से नहीं गई हूँ। जिकिन भी आ जाती है और बोलती है मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ लूसेंग के होम टाउन को। निंग सोच रही थी ये क्यों आ रही है हमारे साथ। वेल जलसी लूसेंग बोल रहा था ठीक है मैं तुम दोनों को साथ में लेके चलूंगा। वो ऐसे जा रहे होते हैं पर एक सिटी में पहुंच जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि ये बच्चा दो सुंदर लड़कियों को कैपिटल में लेके जा रहा है, ये ट्रबल में होगा अगर गैंगस्टर नोटिस कर लेंगे तो। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा है जोक करना बंद करो, क्या तुम इन तीनों की पावर को नहीं कर पा रहे मेजर? ये सेलेस्टियल रियल्म से भी ऊपर के हैं, किसकी हिम्मत होगी इनसे मतलब पंगा लेने की? वेल ईस्टर डोमेन को ज्यादा पिछड़ा हुआ है। निंग बोल रही थी अजीब नहीं है जीकिन सिर्फ गोल्ड लैंड स्टेट में, ये कैसे? लूसेंग बोल रहा था कि जितने भी ईस्टर्न डोमेन में है वो सभी सेलेस्टियल रियल्म से नीचे ही है, और यहाँ पे बड़े ज्यादा कम गोल्ड लैंड स्टेट के भी है, तो इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। गोल्ड लैंड स्टेट हाईएस्ट है यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट, जैसे क्यूंग्यून सेक्ट का जो मास्टर है शी जिंग टियान वो भी गोल्ड लैंड स्टेट का ही है। अभी हम उसी के प्लेस में जा रहे हैं, वैसे एंटर कर जाते हैं क्यूंग्यून सेक्ट में। तो एक कैरेज जा रही होती है ऊपर से, तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या यहाँ पे तो गोल्ड लैंड स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो अच्छा नहीं होगा। वो नीचे लैंड करता है और उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है एक्सक्यूज मी तुम्हारा बिजनेस क्या यहाँ पे? लूसेंग अपने हाथ को उसके कंधों पे रखता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो डिकन काओ? डिकन काओ बोलता है कि क्या मुझे ये मत बोलना कि तुम लूसेंग हो। लूसेंग बोलता है हाँ। लूसेंग बोलता तुम डिमोटेड क्यों हो गए हो? काओ बोलता है कि ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हारे पोटेंशियल को देखा जब तुम मिस्टिकल फिश पूल में ट्रेन कर रहे थे और मैंने हायर अप्स में रिपोर्ट किया, पर एल्डर्स डरे हुए थे कि मतलब तुम्हारे सिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया, और वो ये नहीं चाहते थे कि तुम ग्रो कर पाओ। ऐसे मास्टर शी ने उन्हें पनिश किया जब तुम मिडल डोमेन से लेफ्ट कर गए, पर उन एल्डर्स ने रिवेंज लिया और कुछ एक्सक्यूजेस किए मतलब मेक किए और मेरे को डिमोट कर दिया। निंग बोलती है कि मैं किंगिन सेक्ट में कभी नहीं आई हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे स्कीम्स भी मेरे सेकंड ग्रेड सेक्ट में होंगे। अगर तुम मुझे बोलोगे तो मुझे लगता है कि शी जिंग टियान अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, मैं उसे बताती हूँ जब मैं जाऊंगी उसको मिलने के लिए। लूसेंग बोलते कि रियल मास्टर ने बोल दिया, अब ऐसा लग रहा है कि मास्टर शी के साथ खतरनाक होने वाला है। डिकन का सोच रहा था ये वुमेन कौन है और ये डायरेक्टली नाम कैसे ले रही है मास्टर शी का, क्या ये क्वेश्चन करने वाली है उससे जाके? डिकन का बोलता है ये कौन? लूसेंग बोलता है ये मास्टर क्लाउड टेम्पल की। डिकन का हैरान होता और उसे ग्रीट करता है और बोलता है मैं जल्दी से इन्फॉर्म करता हूँ कि तुम किंगिन सेक्ट में पहुंच गए हो। वैसे जल्दी जल्दी जा रहा होता है, वो बैठा हुआ होता है, सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो क्लाउड टेम्पल के मास्टर है वो खुद आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच पाऊंगा। पर बात की जाए तो किंगिन सेक्ट में ऐसा कोई हायर अप कभी आया ही नहीं है। जो टॉप 3 होते हैं पीक कॉम्पिटिशन में जो हर 3 साल में होता है, उन्हीं के पास राइट होता है ग्रीन क्लाउड रोड में एंटर करने का। वो तीनों सिलेक्ट होते हैं लाखों स्टूडेंट्स में जो कि किंगिन सेक्ट के होते हैं। जो लीड्स होते हैं उनको भी सेकंड ग्रेड जो बाकी सेक्ट है उनके साथ कम्पीट करना पड़ता है। जो हमारा मास्टर है वो सिर्फ डीकन है क्लाउड टेम्पल के, वो तो एक एल्डर भी नहीं है। वेल बहुत छोटी पोजीशन है मास्टर शी जिंग टियान की क्लाउड टेम्पल में। मास्टर शी जिंग टियान हैरान होते बोलते क्या वो इन पर्सन आ रही है, मैं जल्दी से जाता हूँ मिलने के लिए। शी जिंग टियान और जो डीकन होते हैं दोनों ग्रीट करते हैं और वो बोलता है शी जिंग टियान की ग्रीटिंग मास्टर निंग। निंग बोलती है कि मेरे को कुछ बोलना तुमसे, डीकन काओ ने तुम्हें रिपोर्ट किया था ट्रूथ लूसेंग के बारे में और उसको फ्रेम कर दिया गया, मतलब कुछ एल्डर्स ने उसके साथ ग्रज वाला सीन किया, उसे रिवॉर्ड भी नहीं मिला और उसको डिमोट भी कर दिया गया, ये क्या सच है? शी जिंग टियान बोल रहा होता वेल वो सोच रहा था कि मैंने पनिश तो कर दिया था पर वो सभी 7 ग्रेट क्लैन से रिलेटेड थे तो मैं उन्हें कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया। डीकन काओ मेरे को लगता है कि फ्रेम हो गया जब अटेंशन पे नहीं कर रहा था, मेरे को लगता है कि मेरे को इस चांस को लेना पड़ेगा और सेक्ट को ठीक करना पड़ेगा। शी जिंग टियान बोलते कि हाँ ये मेरा
वोल्ट है, मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, मैं बेटर करूंगा आगे से क्योंकि इंसेक्ट को रन करने के लिए फ्यूचर में। और अगर बात की जाए डिकन काउ की तो उसको मैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन दूंगा। डिकन काउ सोच रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो चीज मेरे को इतने ज्यादा सालों से तंग कर रही थी वो लुजेंग ने आते ठीक कर दी। लुजेंग तो मेरा सेवियर है। लुजेंग बोलते कि ऐसी पहनने को नहीं की कोई जरूरत नहीं मास्टर शी, मैं सिर्फ रिपे ही कर रहा हूँ डिकन काउ को, उसने मेरी हेल्प की थी पहले तो। निंग बोलती हाँ मैं सिर्फ लुजेंग के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, इतना ज्यादा खतरनाक मतलब बड़ी सिचुएशन नहीं है। शिजिंग टैन बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो और क्योंकि इंसेक्ट में घूम सकते हो। लुजेंग बोलते मास्टर शी क्या इंस्ट्रक्टर सु अभी भी मतलब ठीक कर रही है, मैं प्लान कर रहा हूँ उनको मिलने के लिए। मास्टर शीडिंग चैन बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सु अच्छा ही कर रही है, उसने फाइंड कर लिया कुछ मतलब स्टूडेंट्स को जिनके पास अच्छा पोटेंशियल है, जो ओरिजिनल थे वो काफी ज्यादा ग्रो हो गए हैं। जैसे कि तुम्हारी तरह जीनियस अपीयर हुए ड्रिजल पीक में, तो जो ड्रिजल पीक था वो काफी ज्यादा प्रोस्पेरस हो गया, तो वो बड़े ज्यादा हैप्पी हो गए क्योंकि तुम वापस आ गए हो। निंग बोलती है अब इंस्ट्रक्टर सु कौन है, क्या ये मैन है कि वुमेन है, तुम उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। वो गुस्से से देख रही थी लुजेंग की तरफ। लुजेंग हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम मीट करोगे उनसे, पहले जेलसी बहुत बुरी चीज होती है। वह हमें ड्रिजल पीक का सीन दिखा देता है, इंस्ट्रक्टर सु बोल रही थी मैंने तुम्हें मेथड दिखा दिया, खुद टेस्ट करो अब इसको। लुजेंग पहुंच जाता है वहां पे और बोलता है काफी ज्यादा टाइम हो गया हमें है ना इंस्ट्रक्टर सु। इंस्ट्रक्टर सु मुड़ती है और बोलती है लुजेंग तुम वापस आ गए हो। इंस्ट्रक्टर सु बोल रहे थे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी एबिलिटीज को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लोगे, जब तुम लेफ्ट कर जाओगे तो अमेजिंग है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल्स को भी देख पा रही हूँ, चलो मेरे साथ आओ और मैच को देखो अरेना में जो हो रहा है। वो जाते हैं अरेना की तरफ। लुजेंग बोल रहे थे स्ट्रेंज है ये फाइट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे मोकैन और एक मार्शल आर्टिस्ट फाइट कर रहा होता है। लुजेंग बोलते ये तो मोकैन है। लुजेंग सोच रहा था कि मोकैन कम्प्लीटली एवरेज था और उसके पास डिटर्मिनेशन नहीं थी, उसे कंटिन्यूस एनकरेजमेंट चाहिए थी मतलब मार्शल आर्टिस्ट के पाथ में। अब ये इनर सेक्ट का मेंबर है तो ये मतलब पक्का ही हार्ड वर्क करता है। वेल मोकैन जो पहला इंसान लुजेंग को मिला था क्योंकि सेक्ट की स्टार्टिंग में, मोकैन का जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि क्या राइट्स है ड्रिजल पीक के टॉप में होने के 33 पीक्स में, तुमने सिर्फ एक लुजेंग को प्रोड्यूस किया है, अब तुम वो चला गया है तो तुम अपने असली कलर्स को नहीं दिखा रहे द्वारा। मोकैन गुस्सा होता है और गुस्से से आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते ड्रिजल पीक के वो बोलते हैं अपना बेस्ट करो मोकैन, इस बच्चे से मत हारना। दूसरा बोल रहा होता है कि हाँ डिफेंड करो ओनर को कि हमारा जो पीक है वो बेस्ट है। मोकैन का ओपोनेंट मोकैन को बड़े जोर से पंच मारता है, मोकैन ऐसे रोल करके गिरता है, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। मोकैन कोशिश तो कर रहा होता है तो दूसरा ओपोनेंट बोलता है क्या तुम खुद जाओगे क्या मैं तुम्हें किक करूं। मोकैन कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है तुम गिव अप नहीं कर रहे, मैं तुम्हें और मारता हूं। इंस्ट्रक्टर से बोलते ये काफी है, तुमने अच्छा किया है, अब एडमिट कर लो डिफीट मोकैन। मोकैन बोल रहे थे पर इंस्ट्रक्टर सु बोलते कि ऐसे तुम सोचने से कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा रेकलेस मत बनो, बाद में ट्रेन करना। मोकैन खड़ा हो जाता है। वो जो ओपोनेंट है तो बोलता है कि तुम अभी भी हेजिटेट कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे, तो मुझे ब्लेम मत करना। वो किक मारने के लिए आ रहा होता है मोकैन को। लुजेंग उन दोनों को पुश कर देता है साइड में। वो जो ओपोनेंट है तो वो बोलता है कौन है, तो बाकी सब बोलते लुजेंग वापस आ गया। लुजेंग बोलता है एक स्पार है, वो भी इस पॉइंट पे एंड होनी चाहिए, ये ज्यादा अच्छा नहीं है अगर तुम दूसरों को इंजर करोगे तो। वो मार्शल आर्टिस्ट सोचे तो लुजेंग क्या टॉप स्टूडेंट डिजल पिक का ही तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इंस्ट्रक्टर सु बोलते ठीक है लुजेंग वापस जाओ, चलो इस सभी चीज को यहाँ पे खत्म कर देते हैं आज के लिए। जेकिन बोलती है क्या ये प्लेस जहाँ पे लुजेंग ने मतलब अपने बेसिक्स मार्शल आर्ट्स को लर्न किया था, ऐसे वो यहाँ पे रहता था और जीता था। लुजेंग बोलता है कि कैसे थे मेरे मेथड फाइट को रोकने के लिए इंस्ट्रक्टर सु। इंस्ट्रक्टर सु बोल रही होती नहीं इतना बुरा नहीं है, तुमने एक पॉइंट बनाया है, पर तुम्हारी जो करंट एबिलिटी है मैं वर्दी नहीं हूँ तुम्हारे टीचर होने के लायक। लुजेंग बोलता है तो मैं तुम्हें क्या बोलूं, बिग सिस्टर लिंगियन। इंस्ट्रक्टर सु बोलती है मैं ठीक हूँ, अगर वो जो दो लड़कियां हैं तुमने जो साथ में लाई वो ठीक होंगी तो। वो दोनों साइड में खड़ी होती है और घूर रही होती है लुजेंग की तरफ। लुजेंग डर जाता है और हंसते बोलते वेल ये मेरे ट्यूटर है, वेल मेरे इंस्ट्रक्टर है सुलिंग्यून, ये ऑल्सो प्रिंसेस है फेंगटियान किंगडम की। इंस्ट्रक्टर सु ग्रीट करती है। निंग बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक प्रिंसेस हो, तुम इजिली क्वीन बन सकती हो किसी भी किंगडम की अगर हेल्प मिलती किंग इंसेक्ट की। पर इंस्ट्रक्टर सु बोलती है कि मुझे वो ठीक नहीं लगता है, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगी और बेमतलब की पॉइंटलेस पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और उनके लिए अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना चाहती हूँ। निंग बोलती है कि अब मुझे समझ आया, तुम जैसे पीपल की वजह से जो क्लाउड टेम्पल है और बाकी सेक्ट्स हैं वो बड़े ज्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया है। लुजेंग बोलता है हाँ, क्या तुम क्लाउड टेम्पल से किसी को भेज सकते हो ताकि वो इसकी हेल्प कर सके, इसकी मतलब फैमिली की सिचुएशन की, ये काफी टाइम के उनके बारे में सोचती रहती है। निंग बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्ट्रक्टर से बोलते शुक्रिया। वो ऐसे मतलब पार्टी कर रहे होते सभी ड्रिजल पीक के। वो फिर कुछ टाइम के बाद मतलब उसने गैदरिंग की और मेंबर्स के साथ ड्रिजल पीक के पार्टी पुटी की, फिर वो निंग को और ज़ियुकिन को अपने घर लेके गया। जो लू फैमिली थी वो अच्छा कर रही थी पहले के टाइम से, पर ये अभी ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे मैं वापस आना चाहता हूँ, मैंने कुछ ट्रेजर छोड़ दिए और मैनुअल छोड़ दिए लीव करने से पहले। बोलते ठीक अब हम हेड करते हैं वेक्स्ट को। निंग बोलती है कि हम क्यूंगिन सेक्ट जाए, डिजल पीक जाए, तुम्हारे पुराने घर जाए, अब हम कहाँ पे जाएंगे। ज़ियुकिन बोलती हाँ क्या है वेस्ट में। लुजेंग बोलते है मैं तुम्हें एक मैजिकल प्लेस में लेके चलता हूँ, मुझे फॉलो करो। फिर हमें ज़ियुकिन माउंटेन जेड ड्रैगन वैली का सीन दिखा देता है इमॉर्टल रेजिडेंस के पास में, वैसे मूव कर रहे होते हैं बैम्बूस के बीच में। ज़ियुकिन निंग बोलती क्या तुम इस मैजिकल प्लेस के बारे में बात कर रहे थे। ज़ियुकिन बोलती है ये तो वुड्स ही है, मुझे कुछ स्पेशल तो फील ही नहीं हो रहा है। लुजेंग बोलते तुम्हें पता लग जाएगा मेरे साथ आओ। वैसे
मूव कर रहे होते हैं, लुजंग आगे जाता है और एक स्पेस से एंटर कर जाता है और गायब हो जाता है। लिंक बोलते क्या टेलीपोर्टेशन है रे? जिकिन बोलती है कि कुछ भी हो चल लुजंग को फॉलो करते हैं। वो दोनों एंटर करते हैं और वो भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लिंक बोलती है क्या मेरे को स्पेस टनल में दिख रही है? ना ही, मैंने लो स्पेस को फॉलो किया तो अमेजिंग है। और हाँ, ये जो ट्रीज है तो बहुत बड़े हैं, क्या ये वर्ल्ड जायंट्स का? लुजंग बोलते कंटिन्यू करो वॉकिंग, हमें और अभी और ज्यादा आना है। वो जैसे जैसे मूव कर रहे होते हैं साइड में बाउंड्री होती है रेड कलर की, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बीस्ट होते हैं। लुजंग बोलते मॉन्स्टर द्वारा? लुजंग बोलते रिलैक्स हो जाओ, ये एंटर नहीं कर सकते इस बैरियर में, अगर वो ऐसा करेंगे तो बैरियर इनको मार देगा जैसे वो टच करेंगे इनको। लुजंग सोच रहे अजीब, मैं अभी भी इनकी पावर को पता नहीं लगा पा रहा हूँ ये किस लेवल पे है। एक लेवल 10 का मॉन्स्टर लिम्बो रैलम के इक्वल होता है, एक लेवल 11 का मॉन्स्टर डिवाइन सी रैलम के इक्वल होता है, और एक लेवल 12 का मॉन्स्टर गॉड रैलम स्टेट के इक्वल होता है। पर इनकी जो पावर है तो मेरी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। इसका ये मतलब है कि जिस प्लेस में इमोर्टल रिजाइड करता था वो उस वर्ल्ड में जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। वो इनके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ पे एक टाइगर था जिसने बैरियर को टच किया पर वो मर गया, तो वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जिकिन भी लुजंग के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है मुझे भी साथ में लेके जाओ, मुझे डर लग रहा है। वेल, जिकिन खतरनाक है। वो तीनों मूव कर रहे होते तो आगे वो रेजिडेंस आ जाती है। जिकिन बोल रही थी तो बहुत बड़ी रेजिडेंस है। निंग बोल रही थी हाँ, ये ऐसे बड़ी कैसे सकती है, क्या कोई रहता है यहाँ पे? लुजंग बोलता तुम्हें पता लग जाएगा जब हम एंटर करेंगे। लुजंग जैसे अंदर जाता है तो जो बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं वो मूव करके लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग अपनी प्लेट को निकालता और बोलता है पीछे हो जाओ। वो दोनों जो स्टैचूज होते हैं वो लुजंग को ग्रीट करते हैं। जिकिन बोलती ये कैसा टोकन था, तो अमेजिंग है ये। लुजंग बोलते ये टोकन कमांड कर सकता है कोर्टयार्ड में, मतलब जो भी इस रेजिडेंस में है हम एंटर कर सकते हैं। वो जा रहे होते हैं आगे की तरफ। सो गाइस चैप्टर नंबर 231 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।